प्रधानमंत्री के जन्म दिवस के अवसर पर जिले में वैक्सीनेशन का महाअभियान चलाया गया। वहीं SDM घनश्याम धनगर बड़वानी द्वारा अंजड़ रोड स्थित आते पे पहुंचकर शराबियों से करवाया वैक्सीनेशन। वहीं वाइन शॉप में शराब खरीदारों को बिल नहीं दिए जाने पर दुकानदार को लगाई फटकार। जिला कलेक्टर शिवराज सिंह वर्मा द्वारा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिवस पर वैक्सीनेशन का महाअभियान जिले भर की टीमों के द्वारा डोर टू डोर पहुंचकर वैक्सीनेशन का कार्य किया जा रहा है। वहीं SDM घनश्याम धनगढ़ द्वारा सार्वजनिक जगह पर जहां लोगों की ज़्यादा संख्या एकत्रित होती है वहाँ वैक्सीनेशन टीम के साथ लोगों को जागरूक कर वैक्सीनेशन करवाया। इस दौरान अंजड़ रोड स्थित आता महकाने में अचानक SDM स्वास्थ्य विभाग की टीम को देख शराबी हैरान रह गए। वहीं टीम द्वारा कुछ शराबियों का वैक्सीनेशन किया। वहीं वाइन शॉप का पर SDM ने निरीक्षण कर वाइन शॉप को लोगों को बगैर बिल से शराब बेचे जाने पर वाइन शॉप संचालक को फटकार लगाई और सभी को बिल दिए जाने के सख्त निर्देश दिए। सर आज वाइन शॉप का आपने निरीक्षण किया? आज वैक्सीनेशन का महाअभियान है, उसी के तहत हमारी टीम जहाँ पे भी पब्लिक गैदरिंग होती है वहाँ पे जाके लोगों को वैक्सीनेट कर रही है। इसी के तहत आज यहाँ ज़्यादा भीड़ थी शराब की दुकान पे, तो यहाँ भी हमारी टीम आई थी और यहाँ भी कुछ लोगों को वैक्सीन लगाई है। इसी के दौरान है कि यहाँ पे शराब दुकान का भी निरीक्षण किया गया, जिसमें सामने आया है कि शासन के द्वारा जो भी व्यक्ति शराब क्रय करते हैं खरीदते हैं उनको बिल दिया जाना अनिवार्य है। यहाँ पे अभी बिल नहीं दिए जा रहे थे, इसके संबंध में उनको निर्देश दिए गए हैं और उनके द्वारा आश्वासन दिया गया है कि ये व्यवस्था तत्काल सुधार ली जाएगी, सभी लोगों को बिल दिए जाएंगे। सर आज कुछ कार्रवाई भी हुई, वैक्सीनेशन जो नहीं कर रहे उनको समझाइश भी दी गई है? कुछ हमारी टीम लगातार है, घर घर जाके लोगों को समझा रही है, अपील कर रही है। इसमें जनप्रतिनिधियों का भी सहयोग लिया जा रहा है, घर घर जाके लोगों को पीले चावल भी दिए जा रहे हैं और इसका काफ़ी सकारात्मक प्रभाव भी दिख रहा है कि लोग जो वैक्सीनेशन से छूटे हैं वो लोग वैक्सीन भी लगवा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी के जन्मदिवस के अवसर पर कलेक्टर बड़वानी ने मोहल्लों में पहुंच वैक्सीनेशन का दिया संदेश। प्रधानमंत्री के जन्मदिवस के अवसर पर जिले में वैक्सीनेशन महाअभियान का संचालन किया गया। संपूर्ण जिले में 372 वैक्सीनेशन केंद्रों में 45 मोबाइल टीम के माध्यम से 100% वैक्सीनेशन का प्रयास किया गया। इस दौरान कलेक्टर बड़वानी ने नगर के कई मोहल्ले में दल के साथ पहुंचकर लोगों को वैक्सीनेशन का महत्व बताकर अपने समक्ष वैक्सीनेशन करवाया। प्रधानमंत्री जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में पूरे प्रदेश में वैक्सीनेशन महाअभियान प्रारंभ किया गया है और उसी कड़ी में बड़वानी जिले में भी लगभग 1,00,000 से अधिक लोगों को वैक्सीनेशन का लक्ष्य रखा हुआ है। पूरे जिले में 372 सत्र बनाए हुए हैं और लगभग 40 मोबाइल टीम लगाई गई हैं। मेरा बड़वानी जिले के सभी नागरिक बंधुओं से आग्रह है कि वह लोग अपने नज़दीकी वैक्सीनेशन सेंटर पर जाकर के वैक्सीनेट अवश्य हों ताकि हम लोग भविष्य में कोरोना से मुक्त हो सकें। भीलखेड़ा ग्राम में ग्रामीणों को कानून संबंधी जानकारी और वैक्सीनेशन के लिए किया प्रेरित। लीगल सर्विस ऐप के बारे में दी जानकारी न्यायाधीश को देखकर ग्रामीण हुए भाव विभोर। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश अनुसार प्रभारी जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय श्री दिनेश चंद्र थपलियाल के आदेश अनुसार अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय श्री राकेश कुमार सोनी जी ने ग्रामीणों को दी जानकारी। आज़ादी के अमृत महोत्सव एवं सेवा दिवस के अवसर पर ग्रामीणों को कानून संबंधी प्रावधानों की जानकारी दी गई, साथ ही उन्हें वैक्सीनेशन के महापर्व को वैक्सीनेशन लगाने के लिए भी प्रेरित किया गया। गांव के लोगों को कोरोना वायरस जैसी वैश्विक महामारी से बचाव के लिए वैक्सीनेशन हमारा कारगर उपाय है, इस बारे में समझाया गया और वैक्सीनेशन का महत्व बताया गया। यह भी बताया यदि किसी दिव्यांग का दिव्यांग प्रमाण पत्र नहीं बना तो विधिक सेवा प्राधिकरण में आकर आवेदन कर सकता है। इस अवसर पर प्रधान पाठक श्री नरेश कुमार सोलंकी, न्यायालय से श्री अर्जुन परमार, पैरा लीगल वॉलंटियर श्रीमती अनिता चोयल, आराधना पटवा, शिवराज यूसुफ, ग्राम पंचायत के सचिव कैलाश कनोजे, शक्ति सिंह कनोजे, संतोष आवासिया, नारा आवासिया, जन शिक्षक यशवंत चौहान, एनएम शिक्षिका अनिता मुकाती, परवीन गोरी, ग्राम के पटवारी बंसी राम कनौजे, आवासिया मैडम मेल सिंह नरगावे, ग्रामीण जन उपस्थित थे। RPTV न्यूज की खबरें पाने के लिए लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दबाइए, साथ ही नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाइए और साथ ही RPTV की न्यूज की खबरों को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।